अच्छा जी, आज फिर एक आ गया मुहावरा पंजाबी का, चंगी मत चाहो ते बुढ़े नो पूछो। अगर अच्छी आपको एडवाइस चाहिए, मशवरा चाहिए, तो बूढ़े के पास जाओ। बूढ़े का मतलब एक्सपीरियंस बंदे के पास जाओ। ये बड़ा पंजाबी का प्रोवर्ब है, बड़ा पुराना, और ये आजकल बड़ा वैलिड है, क्योंकि मैं अक्सर का देखता हूँ कि आजकल हम अपने अपने जैसों के साथ, अपनी उम्र के लोगों के साथ, ये जो आपकी स्पेशली नई नस्ल है, ये अपने जैसे लोगों से, अपने पीयर से ही मशवरा कर रही होती है। तो अक्सर कहा वो मशवरा उनको, मेरे रिसेंटली मुझे याद पड़ता है कि एक फैमिली आई, चार बच्चे थे उनके, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी शक्लों के बच्चे, लेकिन वो फैमिली आई मेरे पास क्यों? क्योंकि उन चारों बच्चों का अपने माँ बाप के साथ बॉन्डिंग नहीं थी, और अपने माँ बाप के साथ लड़ाइयाँ रहती थी, और कई सालों से वो काउंसलिंग के पास जा रहे थे। पहले वो नेट के ऊपर रिसर्च करते रहे, और उनको इनके अपने जैसे लोगों के पीयर व्यू से यही लगा कि जो हमारे बुजुर्ग हैं ना, वो पागल हैं। और जनाब इनमें, और वो ये सोच के प्रेशर डाल के आए कि जी अब हम अपने माँ बाप को ये बताना चाहते हैं कि जी माँ बाप गलत है, इनको बदलना पड़ेगा। तो मैंने खैर उनको बड़े तरीके से हैंडल किया। फिर मैंने तो सबसे पहले उनकी तारीफें करनी शुरू कर दी, उनकी शक्लों की, उनके ड्रेस की। जब वो पूरे उसमें गुम हो गए, तो मैंने उनसे पूछा, कभी आपने सोचा ये आपकी शक्ल, या आपकी तरबियत, या आपकी चीज़ें कहाँ से आई हैं? तो एकदम उनको पहला झटका तो ये लगा कि यानी कि आप मुझे हैरानगी हो कि यार ये बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उसकी पैसे देने वाला बाप, इनकी नखरे उठाने वाला बाप, गाड़ी ये बाहर खड़ी है बाप की, और ये माँ और बाप के खिलाफ ही ऐसी बातें कर रहे हैं। अजीब सी बात थी, लेकिन उनको साहब उस तरीके से मुझे हैंडल करना पड़ा, आई उनको समझाना पड़ा। तो बुढ़ा जॉन सा ना, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो आपको मशवरा किसी और तरीके से देते हैं। मैं अक्सर कहा लोगों से कहता हूँ कि बेटा, जब आप बेटे होते हैं ना, तो आपको बाप की बात समझ नहीं आती। बाप की बात आपको उस वक्त समझ आएगी जब आप बाप बनेंगे। तो आप उन लोगों से मशवरा ले रहे हैं जो खुद बेटे हैं, अभी खुद बेटे हैं, तो वो आपको क्या मशवरा देंगे? आपको जब आप बाप बनेंगे, और आपका बच्चा जिसके लिए आपने रात दिन एक किया होगा, जिसके लिए आप रातों को उठे होंगे, जिसके लिए आपने कुर्बानियां दी होंगी, वो बच्चा उठा के उठ के आपको जब पागल कहेगा, या आपको ही कहेगा आप में बुराई है, तो फिर उस वक्त आपको समझ आएगी कि आपका बाप क्या कहता था। ये बातें आपको उस वक्त समझ नहीं आएगी। तो ये मुहावरे हैं ना, ये मैं इसलिए कहता हूँ, ये ज़िंदगी बदल देने वाली चीज़ें हैं कि ये क्या करते हैं। आप खुद मुझे बताइए कि आपने आज जाके फ्लाइंग का लाइसेंस ले लिया, तो क्या कल आपको क्या बोइंग उड़ाएंगे? आप कितने घंटे पूरे करेंगे कि आपको बोइंग के नज़दीक पास से जाने देंगे? बूढ़े हो जाते हैं लोग बोइंग तक जाने के लिए, और फिर बोइंग में भी आ जाएंगे तो उसके बाद फिर जनाब एयर बस, तो फिर और फिर वो ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिटरमिन किया जाता है। तो वो जो लोग हैं ना, वो जो 50-60 के हो जाते हैं, उनको कहीं जाके खुशकिस्मती से जनाब आपको ये यूरोप की और अमेरिका की फ्लाइटें उनको मिलती हैं, तजर्बा। और जी 10 घंटे का फ्लाइंग आवर्स, मुझे एक याद पड़ता है, मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक था, तो जब मैं यंग था तो एक मैकेनिक हुआ करता, उसके बाद लेने होती थी गाड़ियों की। मजे की बात यह है कि वो शुरू के अंदर उससे लोग सेकंड ओपिनियन लेके आते थे, वो इनके आंखों से भी उसे कम नज़र आता था, और शायद कानों से भी शायद उसको कम, लेकिन उसके पीछे ना ये बावलपुर रोड की होती थी, वहाँ पे तो वो गाड़ियों की लाइन लगी होती थी। तो अपने ज़माने का बड़ा टॉप का मैकेनिक था, फिर उसको कोई बीमारी हुई या बूढ़ा हो गया, तो वो अब गाड़ियों का काम नहीं करता था, लेकिन उससे लोग मशवरा करने के लिए आते थे, और काम किसी और से करवा लेते थे जाके। वो कहता था काम किसी और, वो आपको बता दे, वो डायग्नोज करता था। कैसे डायग्नोज करता था वो? आपको जनाब गाड़ी आ रही है, स्टार्ट करो, एक्सीलेटर दो, बोनट के ऊपर हाथ रखता था, कान लगा के सुनता था, और आपको एग्जैक्टली बताता था कि इसका तीसरा प्लग खराब है, या तार खराब है, करंट नहीं पूरा आ रहा, या इसके कार्बोरेटर का मसला है। उस जमाने में गाड़ियों में कार्बोरेटर हुआ करते थे, ये उसकी चीज़ें थी। और
और मैंने कई लोगों को देखा है जब आपकी मशीनें, अब तो आप कंप्यूटराइज व्हील अलाइनमेंट नई नस्ल को तो आप बड़ी टेक्नोलॉजी नज़र आती है, लाइनें लगी होती थी सारी ज़िंदगी, मैं गाड़ी चलाता रहा हूँ, ये तो 20-25 साल से आप कहीं जाके ये गाड़ियाँ आनी शुरू हुई हैं जहाँ पे अलाइनमेंट के लिए धागा बांध के वो अलाइनमेंट करते थे। 15 साल का एक्सपीरियंस था, उसके बाद ये यहाँ तक गारंटी देते थे कि मैंने धागे से आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट कर दी है, आप जाके कंप्यूटराइज अलाइनमेंट दिखा दें, अगर ये ख़राब हुई तो मुझे जुर्माना। ऐसे ऐसे गुरु बैठे होते। अब ये क्या ही तजर्बा है, एक डॉक्टर है, एक प्रोफेसर है, उसको आप 5,000 रुपया विजिट का या उसको दिखाने का क्यों देते हैं? और भाई उसने 1,000 ऑपरेशन किया हुआ। एक उस्ताद है, एक ड्राइवर है, उसको आप जनाब महंगी गाड़ी या महंगा ट्रक, इतना बड़ा ट्रक है, उसको चलाने से पहले और 20 साल का एक्सपीरियंस है यार ट्रक चलाने का, बड़ा ट्रक 16 व्हीलर 18 व्हीलर 22 व्हीलर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की जो सी चीज़ है ना, इसका कोई नेमुल बदल नहीं। अक्सर काल मैं देखता हूँ शादीशुदा शादी की एडवाइस देने वाले वो लोग होते हैं जो शादीशुदा नहीं होते या उनकी शादी इतनी पुरानी नहीं होती। तो जब भी आपको किसी लेवल के ऊपर भी किसी फील्ड में आप देख लें कि आपको अच्छे से अच्छे जो टॉप मिलेंगे लोग, वो एक्सपीरियंस मिलेंगे जिन्होंने ज़िंदगी में, अभी रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं, बड़े बड़े गुरुस बैठे हुए हैं इकोनॉमिस्ट जो कि प्रिडिक्ट का फोरकास्ट कर देते हैं कि जनाब आपका रिसेशन आने वाला है, उन्होंने अपने ज़िंदगी में 10 रिसेशन देखे हुए हैं या 6-8 देखे हुए हैं, उनको पता है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो टाइम के साथ ही होती है। मतलब एक गाड़ी का ड्राइवर है, अब आप वो खाई से गाड़ी हारे की हारोस तो नहीं गिरती, उसने एक्सपीरियंस किया है कि जनाब एक दफ़ा मेरा गाड़ी का टायर इस स्पीड के ऊपर मोटरवे पे हाईवे पे बस्ट हो गया, तो मैंने ये किया, अब उसका एक्सपीरियंस है। अब ये एक्सपीरियंस आप किसी को पढ़ा नहीं सकते, कहते ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो ये एक्सपीरियंस तो उस वक्त आएगा जब वो सिचुएशन आएगी। तो अच्छे जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं उनको, ये आपके सामने इवन के कमर्शियल पायलट्स जो उनसे हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस है, उन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे हुए हैं, हमारा खासा ये जहाज़ का इंजन फेल हो जाए तो क्या होगा, ये हो जाए तो वह फिर क्या करेंगे, एमरजेंसी लैंडिंग है तो उसका खतरी, तो ये एक्सपीरियंस की बात है। अब ये चीज़ें आप, वो सिचुएशन आप ट्रेनिंग में नहीं क्रिएट कर सकते, वो आपके एक्सपीरियंस के साथ ही आप। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट के लोग हैं, इस वक्त टॉप का बंदा स्टॉक मार्केट में कौन है, वॉरेन बफेट है, तो आप देख रहे हो उसका कितना एक्सपीरियंस, उसकी एज क्या है, वो बिल गेट्स को एडवाइस करता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो उसका एक्सपीरियंस आप देख लें क्या है, लोग गुरु सारे उससे आके पूछ रहे होते हैं। तो ये क्राफ्ट्समैन हो या कोई भी हो, तो इसलिए ये बताया कि चंगी मत चाहे दीजिए तो बुढ़े ने पूछो। तो ये था जनाब आज का मुहावरा, चंगी मत चाहिए तो बुढ़े ने पूछो। थैंक यू।